हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त विकी। आप देख रहे हैं विकी सीकर ब्लॉग। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। सीकर में आप एक नगन कोचिंग है सीकर की, जो बेहतरीन कोचिंग है। तो सबसे पहले आप जब सीकर आते हो तो आपको पिपराड़े रोड पर आने पर बाईपास की तरफ और एलन पिपराड़े रोड आना पड़ेगा, और फिर आपको एलन कोचिंग में जाना पड़ेगा। आप एलन कोचिंग में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहले मेन गेट आप देख सकते हो जो एलन कोचिंग का है, और आपको सबसे पहले एडमिशन ब्लॉक में जाना पड़ेगा। और तो सबसे पहले मैं आपको एलन कोचिंग अंदर से जाकर दिखा देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले आपको एंट्री करनी पड़ेगी एलन कोचिंग में जाने से पहले। तो आप, मैं आपको एलन कोचिंग के अंदर चला गया हूँ। तो एलन कोचिंग के जाने से पहले आप जो एलन कोचिंग का बाहर का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन व्यू है। और तो सबसे पहले आपको जाना पड़ता है एडमिशन ब्लॉक, जो एडमिशन ब्लॉक की साइड में है, या आपको एडमिशन ब्लॉक है। तो आप अंदर जाकर सबसे पहले प्रोसेस है एडमिशन ब्लॉक का, और फिर जाते हैं एडमिशन कराने के बाद में जस्ट हमारे हॉस्टल के तरफ जाते हैं। तो सामने से एलन कोचिंग के पिछला वाला गेट से आप पीछे का जो गेट है उसे आप जा सकते हो। पीछे के गेट से मात्र आपको 50 कदम चलना पड़ता है, और 50 कदम चलने के बाद में इंडियन बॉयज हॉस्टल आता है हमारा। जस्ट पास में लग्जरी हॉस्टल है, उनकी फैसिलिटी और सब के बारे में बात करेंगे। और ये एलन कोचिंग का आप बाहर का व्यू देख लो तो बहुत ही शानदार व्यू है। और अब जैसे एलन कोचिंग के पीछे वाले गेट से हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो मात्र 50 की तरफ निकलते हो तो आपको एक गार्डन मिलता है और सामने पार्किंग, और इधर से 50 मीटर चलना पड़ता है, फिर आता है इंडियन बॉयज हॉस्टल। आप इंडियन बॉयज हॉस्टल में एंटर करेगा तो आपको इंडियन बॉयज हॉस्टल है, और ये आपको बाहर जाने और अंदर आने की यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है इंडियन बॉयज हॉस्टल में, इंडियन बॉयज हॉस्टल। और जिस समय पर आपको जैसे कि दिनांक और नाम और जाने का समय, हस्ताक्षर आने का समय, हस्ताक्षर और विवरण किस कारण से बाहर जा रहे हो और सब इसमें आपको लिखना पड़ता है। और फिर चलते हैं ये ऑफिस, ये हॉस्टल के ऑनर है मुकेश जी, गाजला जी, ये यहाँ पर वेटिंग एरिया है, ये ऑफिस है इंडियन बॉयज हॉस्टल का। जस्ट अब बात करते हैं सर से। तो अभी हम आए हैं तो इंडियन बॉयज हॉस्टल के ऑनर है उनसे बात करते हैं, और हॉस्टल के फैसिलिटी के बारे में बात करते हैं। सर, जैसे इंडिया के हर अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आते हैं तो सिक्योरिटी वाइज क्या ऑप्शन है सर आप? देखो सर, ये चीज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि यहाँ पे ज्यादातर बच्चा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश से आता है, यहाँ का कल्चर काफी हमारा सेम ही है। तो सिक्योरिटी वाइज अगर जब अपन बात करते हैं तो बच्चों के लिए मेनली इश्यूज आते हैं कि भाई पेरेंट्स को चिंता होती है कि अंदर बाहर बच्चा कभी भी निकल जाए, कभी भी बाहर चला जाए, कोचिंग से छूटने के बाद बच्चा हॉस्टल में कितनी देर में पहुंच रहा है, ये चीजें आती है। इन चीजों के लिए प्रॉपर वे हमारे पास व्यवस्था है, बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है, अटेंडेंस रजिस्टर भी लगा हुआ है। बच्चा हॉस्टल से बाहर जाएगा तो बिल्कुल पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन मैसेज जाएगा कि भाई बच्चा कितने बजे हॉस्टल से निकला, कितने बजे अंदर आया। दूसरी बात, कोचिंग में जब भी बच्चा एंटर होता है तो मैसेज आता है पेरेंट्स के पास, और निकलता है तब भी मैसेज आता है पेरेंट्स के पास। इसके अलावा भी हमारी प्रॉपर टीम है जो विजिट पे रहती है, कोई भी बच्चा इधर उधर इलीगल अवस्था में होता है या कोई गलत हरकतें करते हुए पाया जाता है तो तुरंत पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ओके सर, अब सर आपके जो हॉस्टल है इंडियन बॉयज हॉस्टल में हमें क्या क्या सुविधा मिलती है सर? सुविधाओं की देखो जहां तक बात आती है, हमने इस बार जो ये दो हॉस्टल नए स्टार्ट किए हैं इनके अंदर संपूर्ण सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। रहने के लिए बढ़िया बेड बनवाए गए हैं, बढ़िया क्वालिटी के गद्दे दिए जा रहे हैं, कुर्सी टेबल्स दिए जा रहे हैं, एसी की व्यवस्था हमने की है कि बच्चों के लिए फुली एसी रहेगा, एसी लगा दिए गए हैं बच्चों के आने से पहले ही, प्रत्येक रूम में एसी लगा हुआ है। खाने के अंदर भी हमने काफी सारे इम्प्रूवमेंट्स किए हैं कि जैसे हमने पहले एक सब्जी आती थी दिन में, अभी दो दो सब्जियां आ रही हैं, मेन्यू के अंदर भी काफी कुछ सारे चेंजेस हैं। तो यानी कि सुविधाओं के अंदर तो आप मोटा मोटी बात यही है कि बच्चे को पढ़ने के अनुकूल तमाम एनवायरनमेंट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हम हॉस्टल के अंदर ही फ्री लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा रहे हैं कि लाइब्रेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कॉमन स्पेस एरिया, डिस्कशन एरिया प्रोवाइड करवा रहे हैं, हॉस्टल के अंदर ही हम गेम कॉरिडोर प्रोवाइड करवा रहे हैं बच्चों के खेलने के लिए,
तो ऐसे कुछ आपको आगे वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें दिखाऊंगा, और बहुत ही एक शानदार सेटअप इस सत्र में हम लेके आ रहे हैं। ओके सर, जैसे मेरे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको लग्जरी हॉस्टली में वीडियो बनाता हूँ और जैसा घर जैसा माहौल के वीडियो में बनाता हूँ, क्या सर आपके इस हॉस्टल में भी घर जैसा माहौल मिलेगा? देखो सर, घर जैसे में वही है, देखो माँ बाप जैसा प्यार हम नहीं दे सकते। घर जैसे माहौल का मतलब होता है कि बच्चों को यहाँ पे वो तमाम सुविधाएं मिले जो उनके पढ़ने के लिए उन्हें जरूरत है। उन सुविधाओं को हमने पूरा ध्यान में रख के ही हॉस्टल को पूरे को तैयार किया है, और वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो बच्चे को पढ़ने के लिए चाहिए। तो कई बार हमारे पास 9th 10th के भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी हमारे पास हैं, तो बिल्कुल उन्हें उसी प्रकार से ट्रीट किया जाता है जिस तरह के की उनको जरूरत है या पेरेंट्स उनके साथ बिहेव करता है। अगर हमारी वार्डन्स की टीम की बात करूं तो उसके अंदर भी हमने बड़े मेच्योर वार्डन्स रखे हैं। हमने कम से कम MSc बीएड MA बीएड क्वालिफिकेशन के वार्डन्स को रखा है, तो वो बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, मैं खुद पर्सनली इस हॉस्टल को हैंडल कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें हैं, कभी भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, जैसे हमारे कुछ व्यूअर्स के द्वारा पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया है, क्या सर हॉस्टल में फोन अलाउड है? देखो फोन अलाउड की जहां तक बात है, इस वाले हॉस्टल में हमने कॉमन स्पेस एरिया दिया है स्टडी रूम के लिए भी और लाइब्रेरी के लिए भी। आप वहाँ वाईफाई की फैसिलिटी भी मिलेगी, उस एरिया के अंदर आप मल्टीमीडिया मोबाइल यूज कर सकते हो। जहां आपके पर्सनल रूम्स की बात है, रूम्स के अंदर मल्टीमीडिया मोबाइल बिल्कुल अलाउ नहीं है, कीपैड मोबाइल अलाउ है। अगर आपको मल्टीमीडिया मोबाइल यूज करना है, आप नीचे लाइब्रेरी में जाइए, डिस्कशन हॉल में जाइए, वहां बैठिए, आप मोबाइल का 10 मिनट 20 मिनट यूज करना चाहते हैं वहां कीजिए, लेकिन ऊपर रूम्स के अंदर मोबाइल मल्टीमीडिया मोबाइल अलाउड है। तो एक व्यूअर्स के द्वारा और क्वेश्चन किया है, जैसे आप एलन से ऑथराइज हो तो सर सीकर एलन कंपैरिजन टू कोटा एलन, इस पर आपके? देखो ये हमारे सामने भी काफी क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, जब पेरेंट्स आते हैं तो बात होती है तो इस प्रकार की बातें होती हैं। देखो एलन एलन है, उसमें चाहे आप कोटा पढ़ रहे हो सीकर पढ़ रहे हो, लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से सीकर सेंटर की बात करूं तो सीकर सेंटर कोटा सेंटर के बाद में एलन का सबसे बड़ा सेंटर है। सुरेंद्र सारण सर के नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट डेवलप किया गया है। फिर दूसरी बात आती है मैनेजमेंट की या फिर स्टडीज की, तो एक बेहतरीन भवन है, एक बेहतरीन उनके पास में मैं क्या कहूँ गार्डन टाइप है। पढ़ने के लिए आप कोटा चूज कर सकते हो, एलएन चूज कर सकते हो, आपको इक्वल फैकल्टीज मिलेगी, इक्वल स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। जो टेस्ट हमारे लगते हैं एलएन के अंदर, तो उनकी जो रैंक्स आती है वो कुछ टेस्टों की सीकर सेंटर की होती है, कुछ टेस्टों की ओवरऑल रैंक्स निकलते हैं। फैकल्टी की जहां तक बात आती है, तो एलएन का एक सीधा सीधा प्रोसेस है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट है वो कोटा सेंटर से ही होता है। तो जो भी उन्हें लगता है कि जो बेहतरीन फैकल्टीज हैं, जो बच्चे को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, वही फैकल्टीज हैं यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो उसमें कोई खास डिफरेंट नहीं है। चिकर में स्पेशली शेखावाटी बेल्ट है, तो यहाँ शेखावाटी एनवायरनमेंट है। कोटा में थोड़ा सा एनवायरनमेंट चिकर की तुलना में अलग है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि कोटा से भी बेहतर एनवायरनमेंट चिकर में पढ़ने के लिए। आप दोनों जगह देखिए, लेकिन आप जब चूज करने की बारी आएगी तो डेफिनेटली आप चिकर चूज करेंगे, क्योंकि चिकर एनवायरनमेंट कोटा से बेहतर। ओके सर, थैंक यू सर हमारे टाइम देने के लिए, और कोई भी आपके सवाल है हॉस्टल से रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, सर के नंबर मैंने हाईलाइट कर दिया है स्क्रीन पर, और आप सर से फोन करके और व्हाट्सएप करके आप कुछ अपने सवाल पूछ सकते हो। और जैसे कि आपने मेरे वीडियो पर आप देखते रहते हो वीडियो हॉस्टलों से और कोचिंग से रिलेटेड, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए मोटिवेट है। आप जितने इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे, हम उतनी ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे सीकर से रिलेटेड। थैंक यू, और भी